हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूं ग्रेविटी इंडक्शन वाली एक बाइक। ये बाइक के साथ हमें इस तरह की एक हैंडल भी मिल जाती है जो कि रिमोट की तरह काम करती है ये बाइक चलाने के लिए। तो यहाँ पे इसके सारे फीचर्स दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। इसके साथ हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली इस तरह की एक हैंडल भी मिल जाती है जो कि बिल्कुल जिस तरह की बाइक की हैंडल होती है बिल्कुल उसी तरह की होती है। तो चलो दोस्तों, इसे हटा देता हूँ मैं ऊपर से। यहाँ पे देख सकते हो, ये रही हमारी हैंडल जो कि रिमोट की तरह काम करती है। यहाँ पे हमारी बाइक। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों, इसे मैंने खरीदा था अमेजोन से 1600 रुपीस में। आप भी अगर इसे खरीदना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइस, वहां से जाकर आप इस बाइक को खरीद भी सकते हो। तो इसे निकाल लेते हैं बाहर। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है हमें और यहाँ पर है इसकी बैटरी और चार्जर मिल जाता है। तो चलो दोस्तों, पहले हमारी बाइक और इसकी हैंडल को निकाल लेते हैं बाहर। ये आ चुकी है हमारी बाइक बाहर। ओ माय गॉड, बिल्कुल हायाबुसा जैसी लग रही है। इसके टायर्स आप देख सकते हो गाइस, कितने ज्यादा बड़े बड़े टायर्स दिए गए हैं इसके। ओ भाई साहब, अरे यार, सामने वाला टायर मैं ऐसा मूव कर रहा हूँ, पीछे देख सकते हो पीछे वाला भी टायर इसी के साथ मूव हो रहा है। वाह भाई, बहुत ही फ्लेक्सिबल लग रही है। इसे रखते हैं साइड में। इसकी हैंडल, ओ माय गॉड गाइस, आप देख सकते हो यार क्या कमाल है। ये है इसका एक्सेलेरेटर, इस तरह से आप करोगे तो ये फॉरवर्ड जाएगी। और ये रहे इसके ब्रेक्स। यार इसे रिवर्स किस तरह से लेते हैं मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे ये बटन दबाकर फिर इस तरह से घुमाएंगे तो ये रिवर्स आएगी। अगर समझ लो हमें इस बाइक को टर्न करना है तो इस तरह से करेंगे तो लेफ्ट को टर्न होगी, इस तरह से करेंगे तो राइट को टर्न होगी। हैंडल के अंदर ग्रेविटी इंडक्शन वाला एक सेंसर लगाया गया है तो हमें जस्ट इस तरह से करना होगा इस बाइक को टर्न करने के लिए, जैसे हम रियल वाली बाइक को करते हैं तो उसी तरह से काम करता है ये वाला हैंडल। आज बहुत ही मजा आने वाला है गाइस ये बाइक चलाकर। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर जरूर से लाइक भी कर देना। तो चलो दोस्तों, इसे रख देते हैं साइड में। आपको एक बार मैं डिटेल में ये बाइक दिखा देता हूँ। काफी ज्यादा भारी है, इसके अंदर बैटरी भी इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर इसकी बैटरी लगा दी है दोस्तों मैंने। दोस्तों, देखने में ये बाइक की क्वालिटी जो है काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छी प्लास्टिक से बनाई गई है ये पूरी की पूरी बाइक। तो ओवरऑल बहुत ही क्वालिटी तो मस्त है इसकी। तो एक बार इसे ऑन करके भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो ये रहा इसका हैंडल, यहाँ पे है इसका ऑन ऑफ वाला स्विच। इसके अंदर मैंने 3 बैटरीज डाल ली है अभी अभी, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जैसे हम इसे ऑन करते हैं यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स ब्लिंक करते हैं, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, और यहाँ पे भी एक लाइट जलती है ब्लू कलर वाली। तो इसे भी ऑन कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे इसका साइड में एक स्विच दिया गया है ऑन ऑफ वाला, तो अभी इसे ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ वाला स्विच और यहाँ पे इसका हॉर्न, तो करते हैं इसे ऑन अभी। वाओ, ओ भाई, तो यहां पे आप देख सकते हो गाइस, मैं जैसे ही इसे राइट को करता हूं ये बाइक इस तरह से राइट को झुक जाती है, मैं अगर लेफ्ट को करता हूं तो ये इस तरह से लेफ्ट को घूम जाती है। तो इस तरह से हम इस बाइक को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह बीच में रखोगे तो ये स्ट्रेट जाने लगेगी। तो इसका हॉर्न भी मैं आपको बजा के बताता हूं। वाह भाई, तो चलो दोस्तों, अभी चलते हैं बाहर, इस बाइक को टेस्ट करते हैं, देखते हैं इस बाइक की स्पीड कितनी है।
तो हाँ भाई दोस्तों, इस बाइक को मैंने कर लिया है पूरी तरीके से टेस्ट। इस बाइक के अंदर मुझे थोड़ी सी कमियां नजर आई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले दोस्तों, इस हैंडल के अंदर जो इंडक्शन वाला सेंसर लगाया गया है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। कभी कभार ज्यादातर राइट को आप टर्न करेंगे तो सही से काम नहीं करेगा, लेफ्ट को तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। और मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेक्स हैं इसके, पर गाइस ये ऐसा है नहीं, ये सिर्फ डमी ब्रेक्स दिए गए हैं इसके अंदर। इसके अंदर कोई भी ब्रेक वगैरह काम नहीं करता है। तो इसके अंदर जो रिवर्स वाला बटन दिया गया है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है और इसकी स्पीड भी मुझे काफी अच्छी लगी। तो और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीचे वाला पार्ट आप देख सकते हो गाइस, पूरी तरीके से स्क्रैचेस गिर चुके हैं, क्योंकि इसका नीचे वाला जो पार्ट है टायर्स के बराबर ही दिया गया है ताकि ये बाइक डिसबैलेंस होके नीचे ना गिर जाए। तो इस वजह से यहाँ पे इसका पार्ट देख सकते हो इतना बड़ा दिया गया है और बहुत ही नीचे दिया गया है। तो इस वजह से ये जो पार्ट है नीचे जमीन को रगड़ खाने की वजह से पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो गाइस, आप अगर इस बाइक को चलाते हो तो यार सिर्फ इंडोर में ही यूज करना, आउटडोर में आप चलाओगे तो इस तरह के स्क्रैचेस गिर जाएंगे बाइक के ऊपर सारे। तो ओवरऑल क्वालिटी तो मुझे काफी अच्छी लगी, पर ये एक दिक्कत लगी गाइस। तो आप अगर ये बाइक खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस इंडक्शन बाइक को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, अभी मैं दे देता हूँ शॉर्ट आउट। दोस्तों, कल मैंने इनलाइन ट्राई स्केट्स की अनबॉक्सिंग की थी और उसे टेस्ट भी करके बताया था, बहुत ही कमाल के स्केट्स है यार, वीडियो जाकर जरूर से देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है शिवेंद्र सिंह, सोनू विश्नोई, अब्दुल माजिद, रोहन वसीम, कार्निक रॉय, मनीष, मुकेश सिंह, शिवा कुशवाहा, रजत, मनीष डनके, मधु शुक्ला, नील राठौड़, पारुल परमार, डी चरण, रितांब। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों, आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 15 लोगों के नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहां से अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये बाइक कैसी लगी यार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह के कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।